गुर्जर समाज में तो ये नीम का पेड़ हमारे देवजी के समान माना जाता है, और हमने यहाँ पर ये सारे पेड़ काट रहे, जो एक पेड़ को काट दिया है और ये सारे पेड़ काटने को था, लेकिन हमने रोका और यहाँ पर ये पेड़ काटने वाले चल गए और ये पेड़ को बचाया पाया। और ये सभी हमारे विद्यार्थी परिषद सारे हमारे NSI के छात्र संघ लोग के सारे यहाँ पर मौजूद हो गए और हमने यहाँ पर पेड़ काटने से रोका। और इसके यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये बड़ा सा बड़ा आंदोलन करा जाएगा, और ये पेड़ काटना कानूनी कार्रवाई है और इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आए दिन यहाँ पर रोज़ ना रोज़ पेड़ काट रहे हैं, और यहाँ का प्रशासन इतना हो गया है कि ना कोई VC है ना कोई रजिस्ट्रार है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर यहाँ का प्रशासन जो अपने मन की इच्छा हो रही वो करे जा रहे हैं। आज ये सारे पेड़ कट रहे हैं, ये सारे पेड़ रजिस्ट्रार और जितने भी यहाँ के पदाधिकारी है उनके कहने से कट रहे हैं, और ये उनके पास जाते बात करने के लिए तो वो अपने किसी न किसी को ऊपर ढोल देते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि सब इनके कहने पर काम हो रही है यहाँ पर। और इस पर आज मुझे किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि अजमेर विश्वविद्यालय के अंदर नीम के 30 फुट पुराने जिंदा पेड़ को काटा जा रहा है, हरे भरे पेड़ को उखाड़ दिया गया। और जब मैं मौके पे पहुंचा तो जेसीबी अपने वाहन समेत यहाँ से भाग चुका था। जब मैंने यहाँ पर किसी और यहाँ पर कोई ना कोई विश्वविद्यालय का प्रशासन का कोई कर्मचारी था ना कोई अधिकारी था। आज संडे के दिन इस पेड़ को उखाड़ा गया, इसका क्या उद्देश्य है? साथ ही इसी लाइन में और भी नीम के पेड़ हैं यहाँ, तो जहाँ देश में एक हमारा मुहिम चल रही है कि वन बचाओ, यहाँ 30 फीट लंबे पुराने 15 से 20 साल पेड़ों को काटा जा रहा है। मैंने इसकी सूचना चीफ डॉक्टर सुबोध दत्ता को भी दी है। उन्होंने कहा है कि मंडे को सोमवार को यूनिवर्सिटी खुलने पर उनको वो जांच करेंगे इसकी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही मैं और मेरी पूरी NSI टीम हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्री को भी ज्ञापन देंगे कि यहाँ जहाँ पर वनों को बचाए जाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ ही पर जिंदा पेड़ विश्वविद्यालय जैसी चीज़ों में परिसर में जिंदा पेड़ों को काटा जा रहा है। और साथ ही जब मैं विश्वविद्यालय पहुँचा तो JCB चालक यहाँ से भाग गया। मैं इसकी जांच करवाऊँगा कि वाहन चालक JCB किसकी अनुमति से MDS यूनिवर्सिटी में आई। अगर हम मौके पर नहीं पहुँचते तो विश्वविद्यालय परिसर में लाइन से जो पेड़ दिख रहे हैं 10-15 पेड़ों उनकी सबको उखाड़ के फेंक दिया जाता, और मैं इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करवाऊँगा।